वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी। राग आसा महला पहला अष्टपदिया घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उत्तर अवघट सरवर सरवर नावै। हांजी उत्तर अवघट सरवर नावै नावै पार पारा ही उच्चारण। बकै न बोलै हर गुण गावै जल आकाशी सुन समावै रस सत झोल महारस पावै ऐसा ज्ञान सुनहो अब मोरे। सुनहो ते विश्राम ला दो। ऐसा ज्ञान सुनहो अब मोरे। ऐसा ज्ञान सुनहो अब मोरे भरपुर धार रहया सब ठौरे रहाओ सच ब्रत नेम न काल संतावै सतगुर शब्द क्रोध जलावै गगन निवास समाध लगावै पारस परस परम पद पावै सच मन कारण तत् बिलोवै सुबर सरवर मैल न धोवै। ये पाठ संप्रदाय च इकट्ठा कराया जांदा है। सुबर सरवर मैलुन धोवै मैलुन पाठ इकट्ठा ही करना है। सुबर पद पद जिहड़ा है थोड़ा जा कस के उच्चारण करना है सुभर नहीं कहना। सुबर सरवर मैलुन धोवै जै सो राता तैसो होवै। इसे तरह पढ़ना है जै सो कठा नहीं कह देना वखरा पाठ करना है जै सो राता तैसो होवै। आपे करता करे सो होवै गुर हेव शीतल अगन बुझावै गोर हेव शीतल अगन बुझावै सेवा सुरत विभूत चढ़ावै दर्शन आप सहज घर आवै निर्मल वाणी नाद बजावै अंतर ज्ञान महारस सारा तीर्थ मज्जन गुर विचारा अंतर पूजा थान मुरारा ज्योति जोत मिलावन हारा रस रसिया मत एक पाए तखत निवासी पंच समाए कार कमाई खसम रजाए अवगात नास न लखया जाए जल मह उपजै जल ते दूर जल मह जोत रहया जल मह इथे विश्राम जल मह जोत रहया भरपूर किस नेड़ै किस आखा दूर निद गुण गावा देख हदूर अंतर बाहर अवर न जा अवर न कोय जो तिस भावै सो फुन होए सोन परथर नानक कह बिचार निर्मल नाम मेरा आधार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।